तो जो मूवी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है सुसाइड शॉप 2012। मूवी है एक ऐसी सिटी के बारे में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और उदास लोग रहते हैं, उनमें जीने की ख्वाहिश ही नहीं है और वहाँ का डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोग अब जीने को ज़रूरी समझते ही नहीं हैं, लोग अपनी जान ले लेते हैं। ऐसे में ही वहाँ पर एक शॉप खुलती है जिसका नाम होता है सुसाइड शॉप, और वो लोग ऐसी चीज़ें बेचते हैं जिसको खरीद कर लोग अपनी जान ले सकें, जैसे कि स्वर्ड्स, पॉइसन्स, रोप्स और हर ऐसी चीज़ जिससे अपनी जान ली जा सकती है। उस शॉप को एक कपल चला रहा है और रोज़ उनके पास कई ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। उनके दो बच्चे भी हैं जो अपने पेरेंट्स को इस बात की अश्योरिटी देते हैं कि हमसे खरीदी गई चीज़ लोगों को मारने के लिए बहुत अच्छी जा रही है। ऐसे में ये चारों अपनी शॉप पर ऐसी चीज़ें बेच कर और लोगों को मरता हुआ देख कर भी परेशान नहीं होते, बल्कि ये इनका बिजनेस है। तभी देखते ही देखते इनके घर पैदा होता है एक बेटा जिसका नाम ये लोग एलन रखते हैं। अनएक्सपेक्टेडली वो इस हालात में पैदा होकर भी काफ़ी खुश दिखता है। उसके बहन भाई, उसके पेरेंट्स, उसके आसपास के लोग सारे बहुत उदास हैं, लेकिन वो खुश रहता है, हर टाइम स्माइल करता रहता है। अब एक दिन इस शॉप में एक बूढ़ी औरत आती है जो कि कोई सामान खरीदने आई थी क्योंकि वो अपनी जान लेना चाहती थी, लेकिन इस क्यूट से बच्चे एलन को देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि ये बच्चा स्माइल कर रहा था, और ऐसी स्माइल देखकर उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है और वो अपना प्लान बदल लेती है कि वो अपनी जान लेगी। तो ये बात तो इन शॉप ओनर्स के लिए बहुत बुरी थी कि अगर ऐसे ही डेथ रेट कम होता गया तो इनका सामान कौन खरीदेगा। तो ये अपनी बेबी को स्माइल करने से रोकते हैं, उसका फेस सैड बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये लोग भी हर वक्त सैड ही तो रहा करते थे, पर वो बच्चा हमेशा हंसना चाहता था। अब वो कपल उस बूढ़ी औरत को एक रोप देता है और उससे कहता है कि बस आप यहाँ से चली जाएं, आपका अपने लिए जान लेना ही ठीक है, यानी आप जीकर क्या करेंगी। साथ ही साथ वो परेशान भी हो जाते हैं कि अपने बेटे को कैसे रोकें। इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं, उनका बेटा बड़ा हो चुका होता है, वो अपने बिजनेस से काफ़ी खुश होते हैं और साथ ही साथ वरेड भी कि अगर उनका बेटा यूं ही स्माइल्स फैलाता रहा तो उनका बिजनेस एक दिन ख़त्म हो जाएगा और लोग मरना पसंद नहीं करेंगे। एलन काफ़ी हैप्पी ड्राइंग्स बनाया करता था जिससे ये शो होता कि वो ये देखना चाहता है कि उसकी फैमिली हमेशा हंसी खुशी रहे, पर उसकी फैमिली उसे फोर्स करती कि सैड ड्राइंग्स बनाया करो ताकि हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। उनका ये तरीका था कि अगर वो सैड इन्वायरमेंट रखेंगे तो लोग डिप्रेस होकर उनसे चीज़ें खरीदेंगे, और ये बात उनका बेटा एलन बिल्कुल भी नहीं मानता था। और अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि एलन कहता था मैं इस शॉप को ही तबाह कर दूंगा या इस जगह को ही छोड़ दूंगा और जाकर लोगों को मोटिवेट करूंगा कि उनकी ज़िंदगी कितनी अहम है। आज की रात एलन सोचता है कि वो सारी चीज़ों को तबाह कर देगा। वो चुपके से शॉप में जाता है जब सारे लोग सो रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी शॉप में कोई कस्टमर आता है तो उसके फादर की आंख खुल जाती है। उसके फादर जब उसे बुलेट देने आते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा छुपा हुआ है और ज़रूर ये कोई गलत काम करने वाला है, जो कि असल में अच्छा काम ही था कि वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन एलन के फादर यानी वो शॉप ओनर अपने बेटे को रूम में बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि आइंदा के बाद ये सोच तुम्हारे दिमाग में भी ना आए। अगले दिन हम एलन को स्कूल जाता हुआ देखते हैं। एक आदमी उनकी स्कूल बस के सामने आकर सुसाइड कर लेता है, उस वक्त जब एलन अपने दोस्तों के साथ काफ़ी खुश था, सिंगिंग कर रहा था। ये देख कर वो टूट सा जाता है कि आखिर लोग अपनी जान क्यों ले रहे हैं। उसे खुद की फैमिली पर भी गुस्सा आता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं और मेरी फैमिली ऐसी चीज़ें बेचती है जिससे लोग यूज़ करके अपनी जान ले रहे हैं। देखो हम भी तो अभी खुश थे ना, लोग खुश क्यों नहीं रह सकते हैं, वो क्यों नहीं समझते कि ज़िंदगी इतनी आम चीज़ नहीं है। अब एलन अपने फ्रेंड्स के साथ डिसाइड करता है कि वो पूरी सिटी में स्पीकर्स लगाएगा और उसमें मज़े मज़े का म्यूज़िक प्ले करेगा ताकि उसको सुनकर लोगों की सोल रिफ्रेश हो जाए और वो सुसाइड का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन ये बात उसके फादर भी सुन लेते हैं और उसे कहते हैं एलन बात सुनो, ये देखो। वो उसे सिगरेट्स का एक पैक देते हैं और उसे स्मोकिंग करने का कहते हैं। एलन भी बच्चा होता है, अपने फादर की बातों में आ जाता है। वो जैसे ही स्मोकिंग करता है तो उसे भी वो अच्छी लगती है, तो ये देखकर उसके फादर बहुत खुश होते हैं कि चलो शुक्र है अब इसमें भी नेगेटिविटी आएगी, ये नशे पर लग जाएगा, अपने दोस्तों को भी लगाएगा और जल्द ही मर जाएगा। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि कैसे कोई फादर अपने बेटे के लिए ऐसा सोच सकता है, पर उन लोगों को तो सिर्फ अपना बिजनेस चमकाना था। अब रात को एलन जब अपनी शॉप में जाता है तो वहाँ पर उसकी बहन का बर्थडे होता है, लेकिन बर्थडे थीम जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
इतना डिप्रेस्ड और सैड माहौल होता है कि वो बर्थडे लग ही नहीं रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई मर गया हो, क्योंकि उसका केक कफिन की शक्ल का होता है। साथ में उसे गिफ्ट्स भी काफी अजीब मिलते हैं, लेकिन जब बारी आती है एलिन का गिफ्ट देने की तो वो बहुत अच्छा होता है। वो अपनी बहन को पिंक कलर का स्कार्फ गिफ्ट करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट था। साथ में वो उसे एक म्यूजिक टेप भी गिफ्ट करता है, जो उसकी बहन को बहुत अच्छी लगती है। वो अपनी बहन से कहता है कि जब तुम म्यूजिक सुनो तब ये स्कार्फ पहन लेना, और जब तुम ये पहन कर डांस करोगी तो बहुत प्यारी लगोगी। अब रात को एलिन अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और स्मोकिंग करने लगता है। वो उनको बहुत मजे से बता रहा होता है कि देखो, ये सिगरेट्स मुझे मेरे फादर ने दिए हैं, उन्होंने कहा है कि ये पीने से मेरी हेल्थ ठीक रहेगी। पर उसके फ्रेंड्स उसे सिगरेट छीनते हुए कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें गलत कहा है, तुम्हारे फादर तुम्हें ऐसी कोई चीज दे सकते हैं भला जो सुसाइड से रिलेटेड ना हो। ये एक किस्म का आहिस्ता आहिस्ता से अपनी जान लेने के बराबर है। तो ये सुनकर एलन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी बहन डांस कर रही है। उसका शेडो ये लोग विंडो से देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके घर में एलन के अलावा पहली बार इस तरह से कोई डांस कर रहा था। एलन अपनी बहन को इस तरह से डांस करता हुआ देख के बहुत खुश होता है कि मेरी बहन आज डिप्रेस्ड नहीं है। उधर हम इनके फादर को देखते हैं, यानी उस सुसाइड शॉप के ओनर को, जो कि खुद ही पॉइजन पीने वाला होता है, क्योंकि वो तंग आ चुका होता है अपनी जिंदगी से भी। पर उसकी वाइफ यहाँ पर उसे रोकती है और कहती है, नहीं, हमें अभी आपकी जरूरत है, हमारी शॉप को कौन देखेगा, और लोगों ने आपसे सुसाइड के लिए चीजें भी तो खरीदनी है। वो उसे थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है, तो थेरेपिस्ट उसे बताता है कि आपके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है, ये इतना ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी मेंटल कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है। थेरेपिस्ट उस औरत से, यानी एलन की मदर से कहता है, आप लोगों को इनके पास से नेगेटिव माहौल को खत्म करना होगा। वो एलन के फादर को 2 हफ्ते का बेड रेस्ट देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके फादर बेड रेस्ट पर हैं। इनकी शॉप में एक कस्टमर आता है जो कि बहुत भारी पत्थर लेने आया था, क्योंकि वो नदी में जंप लगाकर अपनी जान लेना चाहता था। एलन उसके लिए वो पत्थर उठाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उधर शॉप में एलन की मदर उसकी डायरी देखती हैं, जिसमें उसकी बहन की ड्राइंग्स होती हैं, जो कि एलन ने अपनी बहन की बनाई थी जब वो डांस कर रही थी। साथ ही वो अपनी बेटी को भी देखती हैं, जो कि बबल्स ब्लो कर रही होती है। ये भी उसे एलन ने ही दिए थे। तो ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं कि मेरी बेटी तो खुश रहने लगी है, उसमें डिप्रेशन कम हो रहा है। शायद उनकी सोच में ये चेंज अपने हस्बैंड की हेल्थ खराब होने के बाद आया हो, और ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी तरफ हम एलन को उसी आदमी के साथ देखते हैं। वो जानकर उसके साथ गया था ताकि उसे अच्छा फील करवा सके। फाइनली एलन यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है। वो आदमी सुसाइड नहीं करता, उसे एलन की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अब एलन अपने फ्रेंड से कहता है कि हमारे पास ये अच्छा मौका है, हम लोगों के दिल में ये बात ला सकते हैं कि सुसाइड करना कितनी बुरी बात है। अच्छी बात तो ये थी कि उनके फादर के कानों में प्रॉप्स थे, जिसकी वजह से उन्हें बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही थी, और वो बेड रेस्ट पर थे तो अपने बेटे को कुछ करने से मना भी नहीं कर सकते थे। एलन अपने अंकल के पास जाता है, जो कि थोड़ा बहुत मैकेनिकल वर्क किया करते थे। एलन उनसे एक गाड़ी में एक स्पीकर फिट करने को कहता है, ताकि उसमें म्यूजिक लगाकर यूथ को अच्छा फील करवा सके और उनके माइंड से ये बात निकल आए कि सुसाइड करना जरूरी है। जल्द ही वो लोग अपना काम पूरा कर लेते हैं। अब एलन अपनी शॉप के बाहर जाकर वो गाड़ी पार्क करता है और उसमें म्यूजिक काफी ऊंची आवाज में लगा देता है, जिससे शॉप के अंदर की चीजें हिलने लगती हैं और नीचे गिरने लगती हैं। इसकी वजह से वहां पर रखा गया काफी सामान खराब होने लगता है, और ये अच्छी बात होती है, क्योंकि सुसाइड करने का जितना सामान कम होगा उतना ही फायदा है। तभी उनके सुसाइड शॉप में एक लड़का आता है, जो कि एलन की बहन को पसंद करने लगता है, और वो दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं उसी म्यूजिक पर जो एलन ने बाहर गाड़ी में प्ले किया था। उन दोनों को बहुत अच्छा फील होता है, और वो लड़का जो कि शॉप में सुसाइड का सामान लेने आया था, वो तो सुसाइड करना भूल ही जाता है। उसे एलन की बहन इतनी अच्छी लगती है कि वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। पर एलन की माँ को बहुत गुस्सा होता है कि उनकी शॉप पर बात हो रही है, तो वो बाहर जाकर गाड़ी से म्यूजिक बंद कर देती हैं। वो सब लोग जो कि शॉप में डांस कर रहे होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, और कुछ लोग तो सुसाइड करने के लिए सामान भी अपने साथ ले जाते हैं, यानी उनमें खुशी सिर्फ कुछ देर के लिए आई थी। पर अब वो लड़का जो एलन की बहन से शादी करना चाहता था, वो अब सुसाइड तो नहीं करने वाला था। तो वो एलन की मदर से कहता है कि मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की भी अपनी मदर से रिक्वेस्ट करती है, तो वो मान जाती है और उन दोनों को शादी करने की इजाज़त दे देती हैं। एलन अपनी मदर से कहता है कि अगर ये सब बहुत पहले हो जाता तो सब लोग हंसी खुशी रहते, और ज़रूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ साइड शॉप ही खोलें, हम किसी और टाइप की भी तो शॉप खोल सकते हैं।
साथ ही वो लड़का उनको आइडिया देता है कि किस टाइप की नई शॉप खोली जा सकती है। वो उनके लिए खाना भी बनाता है जिसे वो लोग इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन खाने की खुशबू एलेन के फादर तक भी पहुंच जाती है, तब तो उठकर नीचे आते हैं और अपनी शॉप का बदला हुआ माहौल देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एलेन उनसे कहता है कि गुस्सा मत हो, इसमें मदर या बहन का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। तो एलेन के फादर गुस्से में स्वर्ड उठाते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं ताकि उसे जान से मार सकें, क्योंकि एलेन ने उनका बिजनेस खराब किया होता है। अब एलेन की मदर अपने हस्बैंड को अपने बेटे के पीछे भागता हुआ देख के काफ़ी परेशान हो जाती हैं और उनके साथ ही भागने लगती हैं ताकि अपने हस्बैंड को रोक सकें कि वो एलेन की जान ना लें। वो अपने हस्बैंड से ये तक कहती हैं कि अगर आपने हमारे बेटे को कुछ भी कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन इससे भला उनको क्या फ़र्क पड़ना था। वो सब एक बिल्डिंग की छत पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एलेन काफ़ी इमोशनल होकर अपने फादर से कहता है, मुझे आपसे बहुत प्यार है, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। आप चाहते हैं ना कि मैं सुसाइड कर लूं और इससे आपको खुशी होगी, तो मैं ऐसा ही करता हूं। ये कहकर वो बिल्डिंग से नीचे जंप लगा देता है और इसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत अजीब फील करते हैं कि इसने क्या कर दिया। एलेन के फादर सैड होने लगते हैं कि मेरी वजह से मेरे बेटे ने अपनी ही जान ले ली। पर तभी एलेन जंप करता हुआ ऊपर आता है और अपने फादर की नकल करने लगता है ताकि वो खुश हो जाए। एलन के फादर जब ये देखते हैं कि मेरा बेटा जिंदा है और वो तो मेरी नकल उतार रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं। इसके साथ साथ एलन की मदर भी हंसने लगती हैं। वो दोनों एक साथ खुश होकर और भी ज़्यादा खुश होते हैं और उनको समझ आ जाती है कि खुशी किसी की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एलन के फादर पहली बार डिप्रेशन से बाहर आकर बहुत अच्छा फील करते हैं। असल में ये एलन का प्लान था। उसके फ्रेंड्स बिल्डिंग के नीचे पहले से ही खड़े हुए थे ताकि जब एलन जंप लगाए तो उनके हाथ में एक क्लोथ हो, एलन उस पर गिरकर बाउंस करे और उसे कुछ भी ना हो। और इस प्लान में भी एलन अब कामयाब हो चुका था। अब उधर हम शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन की बहन और उसे अच्छे लड़के की शादी हो जाती है और अब वो सोचते हैं कि शॉप को कैफे में बदला जाएगा। अब वो लड़का जो नई डिश बनाता था वही उस कैफे की सबसे अच्छी डिश बन जाती है और लोगों को पसंद भी आने लगती है। जो जो लोग वहाँ पर आते, एलेन उन्हें अपनी हरकतों से खुश करता और उन्हें मोटिवेट करता, जिसके बाद से उस सिटी में डेथ रेट बहुत गिर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है क्योंकि लोग खुश रहने लगे थे। मूवी के लास्ट सीन में हम कैफे का सीन देखते हैं जब एलेन सिंगिंग और डांसिंग करके सब लोगों को खुश कर रहा होता है। तभी उस कैफे से कुछ लोगों की सोल्स आती हैं और वो भी इंजॉय कर रही होती हैं, यानी अब इस सिटी का माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है और इसमें एलेन और उसके फ्रेंड्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।